हेलो दोस्तों, मैं मुकेश फिर से आ चुका हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके। आज मैं आपको बताऊंगा बिम का बीबीएस, ठीक है, बिम के बीबीएस के बारे में, वायर बेंडिंग शेड्यूल, कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो ये जो एक एग्जांपल है, ये मेरे साइट का एग्जांपल है, मेरे साइट पे एक ड्राइंग है, मैं सोचा क्यों ना वही चीज़ आपको बताऊँ। ये एक सिंपल सा है, मैं और भी टाइप का दिखाऊंगा बिम में, क्योंकि बिम मैं समझता हूँ कि बीम के ऊपर अगर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं तो ये फंडा पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो ये रॉड बार जो है, ये डालने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आज लिया है ताकि आप फंडा समझ सको, लॉजिक, बेसिक लॉजिक क्या है, ठीक है, उसके बाद मैं डिफरेंट डिफरेंट बताऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये टॉप प्लान है, दो कलम है 600 बाई 600 का, और बीच का ये बीम है, ठीक है। और इस बीम का मैं दो सेक्शन काट के दिखाया हूँ, एक ए ए मतलब अगर इसको काटता हूँ तो ये पार्ट दिखेगा सेक्शन ए ए, और मैं लंबा ऐसे करके अगर काटूँ तो ये बी बी ये सेक्शन दिखेगा, ठीक है। इसको अगर काटूँ तो मुझे ये सारा डिटेल्स दिखेगा। चलिए पहले मैं ए ए सेक्शन काट के आपको बताता हूँ। अगर ए ए सेक्शन मैं काटूँ तो बीम का सेक्शन कटेगा, और बीम के अंदर में जो जो रॉड है, जो जो बार है मेरा स्टीरअप, वो सारा दिखेगा। तो ये देख लीजिए, ठीक है, जो बीम है, बीम का साइज मैंने यहाँ पकड़ा है 300 बाई 600, ठीक है, क्लियर कवर मैंने पकड़ा है 300, ठीक है। देखिए इस बीम में क्या दिखाया है, यह है स्टीरअप मेरा, ये ऊपर का दो मेन रॉड, ये बॉटम का देखिए चार मेन रॉड है। आप लोग भी समझ रहे हो गया कि ये कैसा हो गया, बीम में बॉस ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, साइट पे जो स्ट्रक्चर का ड्राइंग होगा उसमें बीम का जो बार का डिटेल्स है वो इस टाइप में दिया रहता है, बॉटम टॉप, ठीक है। बीम का दो पार्ट में मेन बार देते हैं हम लोग, एक तो बॉटम हुआ और एक टॉप। अब बॉटम को भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया, लेफ्ट मिड राइट। देखिए देखिए ये है तीन पार्ट, 1 2 3, तो एक एक पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब L/3 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 टोटल। अगर L है मेरा तो एक एक पार्ट कितना होगा, L/3 L/3 L/3, ठीक है। तो ये है मेरा मिड, जो कि है मिड, ये है मेरा लेफ्ट, ये है लेफ्ट, और ये है राइट, मतलब ये है राइट, ठीक है। तो ऐसे ही बॉटम भी आएगा, ऐसे ही टॉप भी आएगा, और ये है मेरा स्टीरअप का डिटेल्स। तो ये देखिए बॉटम में पहले हम लोग जाते हैं, बॉटम में लेफ्ट साइड में क्या बोला है, 225 डाया का रॉड रहेगा प्लस 225 का रॉड रहेगा, 20 डाया का रॉड रहेगा। ये प्लस का मतलब क्या आ रहा है, देखिए ऊपर जो लिखा है वो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर मतलब मेरा ये और ये, ठीक है। बीम में बॉटम में नीचे से लेयर स्टार्ट होता है, मतलब ये है मेरा लेयर 1, ऊपर वाला है लेयर 2, और टॉप में ऊपर वाला होता है लेयर 1, और नीचे वाला अगर रहता है अगर तो वो होगा लेयर 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट मिड राइट तीनों का ही टॉप में, देखिए फर्स्ट लेयर में 25 डाया का दो बार है, ठीक है, मतलब ये दोनों बार क्या है 25 का, और कहाँ लेफ्ट में भी है, मिड में भी है, राइट में भी है, मतलब ये देख रहे हैं ये वाला जो नीचे है ये कंटिन्यू जाएगा 25 डाया का, ठीक है। और सेकेंड लेयर देखिए क्या बोला है, 20 डाया का, दो है 20 डाया का, मतलब इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर का जो बार आएगा वो है 20 डाया का, मतलब ये और ये, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच में जो गैप है वो तो हवा में नहीं, सेकेंड लेयर जो है वो तो हवा में नहीं रहेगा, एग्जैक्टली वो हवा में नहीं रहेगा, उसे इसके और इसके बीच में गैप लेने के लिए हम लोग एक बार देंगे, स्पेसर बार, छोटा सा पीस काट के। और वो कितने डाया का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पेसर बार, ठीक है। और इसका डाया कितना होना चाहिए, सपोज इस बीम का हम कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इस कास्टिंग में जो स्टोन चिप्स यूज हो रहा है, मैक्सिमम जो साइज होगा
एटलीस्ट वो साइज उस गैप से पास कर पाए। आप मेरा क्वेश्चन समझ पाए मैं क्या बताना चाहता हूँ? मैं बताता हूँ, वेट। इंटरव्यू का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे भी पूछा गया था कि स्पेसर बार हम लोग बीम में यूज क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट लेयर का बार है, ये सेकंड लेयर का बार है। जब हम लोग कास्टिंग करेंगे इसको, ठीक है, कॉन्क्रीट कास्टिंग के वक्त, सपोज कास्टिंग तो ग्रेडिंग से बनता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज का स्टोन चिप से ग्रेडिंग करके कॉन्क्रीट को बनाया जाता है। ठीक है, तो कॉन्क्रीट में स्टोन चिप्स 10 mm 20 mm ग्रेड करके किया जाता है। तो सपोज हम कॉन्क्रीट इसको कास्टिंग करते वक्त मैं 20 mm स्टोन चिप्स यहाँ पे पास कर पाए, ठीक है, तो एटलीस्ट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो है वो यहाँ से पास कर पाए, इतना डाया का एटलीस्ट हम लोग एक बार सेलेक्ट करेंगे, उसको हम लोग इसके बीच में डालेंगे, ताकि मेरा, देखो अगर हम 20 का पास यहाँ पे 20 का स्पेसर बार लगाते हैं, ठीक है, तो कॉन्क्रीटिंग के वक्त यहाँ से 20 mm का जो स्टोन चिप्स है वो पास कर पाए और अच्छी तरह ये फिलिंग हो पाए, मतलब कोई वॉइड ना रह जाए यहाँ पे। ठीक है, उस वॉइड को अपोज करने के लिए, उस वॉइड को बचाने के लिए, उस वो वॉइड वहां पे हो ना पाए, इसलिए हम वहां पे क्या करते हैं, एक स्पेसर बार डालते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे ज्यादा डाया का हम लोग डालें। अगर 20 mm हम मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट यूज करेंगे तो हम लोग 25 का यहाँ डालें, ताकि इजिली ये पास हो जाए वहां से, ठीक है, और कोई वॉइड ना रह जाए वहां पे। ठीक है, तो ये हुआ मेरा स्पेसर बार का फंडा। अब आते हैं टॉपिक, ठीक है, वैसे ही ये टॉप है, टॉप में देख लीजिए हमारा एक ही बार गया है थ्रू आउट और उसका डाया कितना है 20 और 2 है, वही मैंने यहाँ पे बनाया है 2। और ये है मेरा स्टीरअप, स्टीरअप का देखिए स्पेसिफिकेशन कैसे दिया है, 8 डाया का एट 100 150 100 सेंटर टू सेंटर। 3 क्यों आ गया बॉस, यही तो बात है। देखो जैसे हमने कलम में देखा था जोन 1 जोन 2 जोन ए जोन बी देखे थे ना, वैसे यहां पर भी 2 जोन होता है। यहाँ पे मोमेंट बहुत ज्यादा एक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे स्टीरअप हम लोग क्या करना है, क्लोजली प्लेस करना है। तो पहला जो 100 दिया है वो किसके लिए दिया है, लेफ्ट के लिए। नेक्स्ट 150 जो स्पेसिंग दिया है वो किसके लिए, मिड के लिए, और ये 100 अगेन राइट के लिए। तो इस जोन में, मतलब ये L/3 जोन में जितना भी स्टीरअप होगा उसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना होगा, 100। उसके बाद नेक्स्ट L/3 में 150 और उसके बाद L/3 नेक्स्ट में 100। ठीक है, तो ये हुआ मेरा पूरा ड्राइंग, समझना, ड्राइंग हम समझ गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका BVS करते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, मैंने यहाँ पे सेटअप करके रखा है, मैं आपको समझाऊंगा जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं। पहले हम लोग बॉटम लेयर का रेनफोर्समेंट निकालेंगे, ठीक है, बॉटम बार में जाते हैं, बॉटम बार का पहले फर्स्ट लेयर निकालेंगे। फर्स्ट लेयर में हमारा ये दोनों जो बार यूज हुआ है वो कितना है, 25 डाया का। ठीक है, 25 डाया, पहले 25 डाया का निकाल लेते हैं। तो चलो 25 डाया का निकालने के लिए पहले क्या होगा, लेंथ ऑफ बीम, ठीक है, यहाँ देख लीजिए लेंथ ऑफ बीम कितना है, 5 मीटर। ठीक है, प्लस इसमें क्या करना होगा, और देखिए मेरा इस पार्ट से ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, ये क्या है मेरा LD, डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, ये एक इधर भी आ रहा है और एक इधर भी आ रहा है, मतलब 2 डेवलपमेंट लेंथ मुझे ऐड करना पड़ेगा, और एक क्या चीज, बेंड माइनस करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे ये जो बेंड माइनस, ये बेंड हो रहा है, इसके लिए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बस निकल गया रॉड कर रहे, और कुछ नहीं है। ठीक है, लेंथ ऑफ बीम प्लस डेवलपमेंट लेंथ माइनस बेंड, यही फॉर्मूला है और इससे ज्यादा कुछ करना नहीं होगा। तो लेंथ ऑफ बीम मेरा कितना है यहाँ पे, 5 मीटर, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 5000 आएगा। ठीक है, प्लस डेवलपमेंट लेंथ, मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ कंसीडर किया है 50D, ये मैंने कंसीडर नहीं किया है, हम लोग का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन साइट पे हम लोग जिस पे काम करते हैं उसमें 50D पकड़ने के लिए कहा गया है।
ठीक है। एक्चुअली ये डेवलपमेंट लेन डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। डेवलपमेंट लेन किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील, राइट। ठीक है, 50D, 50 × D, डाया कितना है? 25, 25 डाल दिए, इंटू टू, टू क्यों इंटू किए हैं? देखिए, एक यहाँ भी आ रहा है और एक इधर भी आ रहा है, इसलिए दो मल्टीप्लाई किए हैं, दो डेवलपमेंट लेंथ आ रहे हैं, ठीक है। माइनस बेंड, ये बेंड है, बेंड का फॉर्मूला कितना होता है? एक बेंड के लिए 2D, ठीक है। मतलब अगर बेंड 90 डिग्री का है तो 2D, ये बेंड कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये बेंड कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का, इसलिए 2D। तो ये है 2D, 2 × डाया कितना है? 25 इंटू वन, वन कितना है? नंबर ऑफ बेंड, कितना नंबर ऑफ बेंड है एक डेवलपमेंट लेंथ में? मतलब अगर मेरा, देखिए ये है मेरा डेवलपमेंट लेंथ, कितना बेंड आ रहा है? एक, एक एक साइड में एक आ रहा है और एक साइड में एक आ रहा है। पहले मैं एक का बताता हूँ, एक एक डेवलपमेंट लेंथ में कितना बेंड आ रहा है? एक इंटू वन, और टोटल कितना है? दो, ठीक है। तो ये हुआ 2D, मतलब 2D हुआ इंटू, ये है नंबर ऑफ बेंड, लिख देता हूँ नंबर ऑफ बेंड, और ये है नंबर ऑफ डेवलपमेंट लेंथ, कितना डेवलपमेंट लेंथ लग रहा है? दो, ठीक है। तो दो, और ये फॉर्मूला है 2D। तो इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 7400 मिलीमीटर और 7.4 मीटर। तो टोटल नंबर ऑफ कितना है? दो। तो फॉर टू नंबर्स, इसे टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 14.8 मीटर। चलो अब हम सेकेंड लेयर में जाते हैं। सेकेंड लेयर का जो बार है वो है 2 20 का रॉड, 2 20 का रॉड। तो फॉर्मूला सेम आएगा, लेंथ ऑफ बीम 5000 प्लस डेवलपमेंट लेंथ 50D, 50 × D, ये चेंज हो गया, यहाँ पे डाया कितना है? 20, 20 × 2, दो डेवलपमेंट लेंथ आएगा ना बीम का, एक इस साइड में एक उस साइड में, ठीक है। और हाँ, डेवलपमेंट लेंथ जो है उसका फंक्शन क्या है? एंकरेज का काम करता है वो, ठीक है, कलम के साथ एंकर होने के लिए। इंटू टू माइनस, ये बेंड है, एक बेंड कितना होगा? 2D, 2 × D इंटू, एक साइड एक डेवलपमेंट लेंथ में कितना बेंड आ रहा है? एक, एक, और टोटल कितना है? दो, दो इज इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 6920 मिलीमीटर और 6.92 मीटर। दो नंबर है, मतलब एक और दो, टोटल दो है, 6.92 × 2, 13.84 मीटर। अब आते हैं टॉप बार, टॉप बार देखिए, टॉप बार का ये फर्स्ट लेयर है, एक ही लेयर है यहाँ पे। तो ये लेयर कितना है? 2 20 का, ये और ये सेम है देखिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेम एज सेकेंड लेयर ऑफ बॉटम बार। बॉटम बार का जो सेकेंड लेयर है उसी की तरह इसको सेम निकाला जाएगा। तो मतलब 25 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 13.84 मीटर, ठीक है। तो ये मेरा बार खत्म हो गया, नेक्स्ट बचा मेरा स्टीरअप। स्टीरअप में अभी मैंने आपको बताया दो जोन होता है, ये L/3, ये भी L/3, ये भी L/3, और L मेरा क्या है? ये टोटल L है, बीम का जो लेंथ है वो L है। तो ये पार्ट जोन 1 होता है, ये पार्ट भी जोन 1 होता है, और ये पार्ट जोन 2 होता है। जोन 2 में स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, जोन 1 में थोड़ा कम होता है, ठीक है। पहले जोन 1 का हम निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टीरअप कितना बैठेगा, ठीक है। फॉर जोन 1, स्टीरअप फॉर जोन 1, पहले हम निकालते हैं ये लेंथ कितना है, ठीक है। यहां से यहां ये लेंथ कितना है? टोटल है मेरा एल, ये पता ही है मुझे कितना है, 5 मीटर, या कह लो 5000 मिलीमीटर। L/3 निकालेंगे, यहां से यहां तो L/3 है ना, तो वही करते हैं, L/3 करेंगे तो कितना आएगा? 5000 / 3, 166.67 मिलीमीटर, ठीक है। हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, इतना है। चलो अब नंबर ऑफ स्टीरअप निकालते हैं। नंबर ऑफ स्टीरअप का फॉर्मूला क्या है? लेंथ बाई स्पेसिंग प्लस 1, ठीक है।
लेंथ कितना है मेरा, एल बाई थ्री जो मैं आया बैठा देता हूँ, बाई स्पेसिंग यहाँ पे देखिए इस जोन में कितना है, 100, 100 बैठा दिया प्लस 1, इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 17.7, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 18 नंबर्स। तो मैंने 18 पकड़ लिया। टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप फॉर जोन वन, देखिए ये जोन वन एक यहाँ भी है और एक जोन वन इधर भी है, टोटल जोन वन कितना है, 2, इसलिए इंटू 2 कर दिया तो 36 आ गया। ठीक है, ये निकाल के रख देता हूँ। अब जोन टू निकालता हूँ। फॉर जोन टू नंबर ऑफ स्टीरअप, एक चीज याद रखिएगा, स्पेसिंग निकालते वक्त आप हमेशा सोचते हो कि प्लस वन करना पड़ता है, तो नहीं, इसमें और इसमें प्लस वन करेंगे तो बीच वाले में माइनस वन करना पड़ता है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, अगर सपोज मेरा स्टीरअप थ्रू आउट सेम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता, मतलब टोटल जितना भी है सारा का स्पेसिंग सेम है, तब हम लोग प्लस वन ही करते, बट ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं बीच वाले में। देखिए नंबर ऑफ स्टीरअप इक्वल टू लेंथ बाई स्पेसिंग माइनस वन, लेंथ ये है, स्पेसिंग यहाँ पे देखिए 150 है, तो 150 माइनस वन टोटल आया 10 नंबर। तो टोटल स्टीरअप कितना आएगा, इसमें और इसमें कितना आया, 36, और बीच वाले में आया 10, तो टोटल कितना हुआ, 46। तो नंबर ऑफ स्टीरअप तो मैं निकल गया, अब स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं बताऊंगा आपको कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप के बारे में, ठीक है? ये मैं थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में स्टीरअप के बारे में बताया हुआ है। ये है मेरा टू लेग्ड स्टीरअप, देखिए इसका दो पैर है, इसे इसलिए इसे बोलते हैं टू लेग्ड स्टीरअप। ये है मेरा बीम 300 बाई 600, डेप्थ है 600। ये है मेरा स्टीरअप, स्टीरअप का मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ किया है और सेंटर टू सेंटर को मैंने देखिए इस वे में ए पकड़ा है और ऐसे ऐसे में बी पकड़ा है। ठीक है, इसको मैं ए पकड़ा है यहाँ से सेंटर टू सेंटर, और इस सेंटर टू को मैं बी पकड़ा हूँ। अगर ए बी निकल जाएगा तो स्टीरअप का कटिंग लेंथ बहुत ईजी से निकल जाएगा। ठीक है, देखो ए निकालता हूँ, पहले पहले मैं टोटल ले लिया, टोटल कितना है 300 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, दोनों साइड से क्लियर कवर को मैं माइनस कर दिया, और उसमें फिर बार के सेंटर में आने के लिए क्या करना होगा, इधर से हाफ माइनस करना पड़ेगा और इधर से हाफ माइनस करना पड़ेगा, मैंने वही किया है, 2 इंटू हाफ ऑफ बार। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, 300 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, क्लियर कवर कितना है 30, ये देख लो, माइनस 2 इंटू 4, 4 क्यों, बार का स्टीरअप का बार का डाया कितना है 8 mm, हाफ कितना होगा 4, तो 4 इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 232 mm। ठीक है, वैसे ही हम बी निकालेंगे, बी आएगा मेरा 532 mm। अब कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप, ठीक है, वो कितना होता है, 2 इंटू ए, ए मेरा ये था ना, तो एक इधर भी आएगा एक इधर भी आएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए उसको, 2 इंटू बी, ये बी और ये बी, प्लस 2 इंटू 10D, 10D मेरा क्या है, हुक, ये देखिए इसे बोलते हैं हुक, ये एक हुक होता है 10D के बराबर। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू 75 होता है, 75 से कभी भी कम हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है 10D, 2 इंटू 10D, एक के लिए 10D, टोटल कितना है 2, एक है इसलिए 2। ठीक है, माइनस देखिए हमेशा याद रखिएगा, 45 डिग्री का अगर बेंड है तो हम डिडक्ट करते हैं 1D, 90 डिग्री का अगर बेंड है तो 2D, 135 डिग्री का बेंड है अगर तो 3D। यहाँ पे टोटल कितना बेंड है देखिए, 1, 2, 3 और 2 यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 5 बेंड है, 5 बेंड में से 1, 2, 3, 3 बेंड ऐसा है जो 90 डिग्री बनाता है, देखिए 1, 2, 3, तो 3 बेंड के लिए हमारा डिडक्शन कितना होगा, 2D, वो देखिए मैंने यहाँ पे किया है, 2D इंटू 3, मतलब 1, 2, 3, 3 बेंड के लिए हम डिडक्ट किए हैं 2D, 3 बेंड के लिए हम, ये क्या है नंबर ऑफ बेंड, यहाँ पे ये 2 लिखा हूं मैं, ये दोनों क्या है, ये 2 और 3 नंबर ऑफ बेंड, तो 1, 2, 3, 3 नंबर ऑफ बेंड जो 90 डिग्री बना रहा है उसके लिए डिडक्ट कितना होगा, 2D, और ये जो है ये 135 डिग्री बना रहा है। ठीक है, 135 डिग्री बना रहा है किसके साथ, स्ट्रेट लाइन के साथ, ये है स्ट्रेट, इसके संग ये बनाएगा 135 डिग्री। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ये बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये स्ट्रेट आया, ये बनेगा मेरा 135 डिग्री। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, तो 2 बेंड ऐसा है जो 135 डिग्री बना रहा है, ये और ये, तो उसके लिए कितना माइनस होगा, 3D। ठीक है, बस अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू ए, ए मैंने निकाला भी जो 32 बैठा दिए,
बी निकाला मैंने 532 बैठा दिए, प्लस 2 इंटू 10 डी, 10 इंटू डी डाया ऑफ स्टेप कितना है 8 बैठा दिए, माइनस 3 इंटू 8 डाया कितना है 8 इंटू 2, जस्ट वैल्यू को पुट कर दो आप, पुट करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 1592 मिलीमीटर, या कह लो 1.592 मीटर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप हमने कितना निकाला था 46, फॉर 46 स्टीरअप्स, ये तो मेरा एक स्टीरअप का लेंथ निकला, 46 स्टीरअप का कितना आएगा 73.23 मीटर। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना वीडियो खत्म करना चाहूंगा, उससे पहले मैं और एक चीज बताऊं, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, 2017 हम पहुंच गए हैं और उम्मीद करते हैं मैं आपको बहुत नया नया चीज़ सिखाऊंगा इस वीडियो में। ये मेरा वेबसाइट है www.learningtechnologyofficial.com, इस पे जाके आप और भी बहुत कुछ थियोरिटिकल नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, तो विजिट कीजिए। मैं क्या करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना डॉक्यूमेंट सारा फोटो खींच खींच के वहाँ पे दे दूँ, ताकि आप लोग के लिए इजी हो सके और भी कुछ सीखने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा वेबसाइट है, आप जरूर इसको विजिट कीजिए। ठीक है, और एक चीज बताता हूँ बीम के बारे में। बीम बहुत टिपिकल टिपिकल टाइप का होता है, आज मैं जो आपको दिखाया वो एकदम सिंपल है। ठीक है, वो सिंपल है, ये एक स्पेशल बीम, सपोज मेरा बीम में लैप आ रहा हो, आज मैं जो बताया हूँ वो 5 मीटर का लंबा का बीम था, 5 मीटर स्पैन था उसका, तो उसमें कोई लैप नहीं आया। अगर ऐसा कंटिन्यू हो जहाँ पे लैप का बात हो जाए, 12 मीटर एक्सीड कर जाए मेरा बार, तो हम क्या करेंगे, वैसा कंडीशन भी आ सकता है। देख रहे हो, ये देखो टॉप बार जा रहा है, कलम जंक्शन पे मेरा लैप पड़ रहा है, तो हमें ये भी जानना होगा कि हम बीम में कहाँ लैप दे सकते हैं कहाँ नहीं दे सकते हैं, बहुत कुछ है बताने को। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा बार, बॉटम एक्स्ट्रा बार, बॉटम का ये एक्स्ट्रा बार। अभी मैंने जो वीडियो बताया उसमें देख रहे थे ये वाला बार क्या है, कंटिन्यू गया है, लेकिन इसमें देखिए हम लोग कंटिन्यू नहीं दिए हैं, L/7 इधर से छोड़े हैं, L/7 इधर से छोड़े हैं और बीच में इसको डाले हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टॉप का जो सेकंड लेयर है वो मैंने कंटिन्यू नहीं दिया है, L/3 से स्टार्ट हुआ है और अंदर जाके एंकर हो गया है, इसे बोलते हैं EOS बार। क्या बोलते हैं, EOS बार। ठीक है, ये होता है एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट, एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट। आजकल जो बीम डिजाइन किया जा रहा है वो इकोनॉमिकल इकोनॉमिकली वे से उसको डिजाइन किया जा रहा है, ताकि हम ज्यादा बार उसमें वेस्ट ना करें, जितना लगना चाहिए उतना ही लगा है। देखिए मैं जो वीडियो बताया हूँ उसमें कंटिन्यू गया सेकंड लेयर का बार, लेकिन इसमें कंटिन्यू नहीं जा रहा है, देख रहे हो, इतना वो वेस्ट, इतना जो वो बार है वो सेव किया, क्यों, डिजाइन करके पता चला कि यही वो जंक्शन है जहां पे सिर्फ देने से मेरा चल जाएगा। ठीक है, इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताए, अगर हम बनाओ मैं बनाऊ अगर, तो बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे होता है, तो हम कोशिश करते हैं इस जंक्शन में हम जॉइंट ना मारे। ठीक है, मेन फंडा यही है, कुछ नहीं, मैं बताऊंगा सारा डिटेल्स, तो इस टाइप का भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, आप शब्द रखें। मैं नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ लाऊं 4 लेग स्टीरअप के ऊपर, तो देखिए अगर बन जाता है तो मैं बताऊंगा। चलो आज का वीडियो बड़ा हो गया, चलो टाटा और गुड बाय, गुड नाइट।